हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मेरा नाम समता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं बच्चों, क्लास 11th में हम लोगों का मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स इस चैप्टर के बारे में हम बात कर रहे हैं। आपको स्क्रीन पे दिखाई पड़ रहे हैं, कल हमने बात करी थी कि एक बीजपत्री पत्तियों और द्विबीजपत्री पौधे की पत्तियां जो होती हैं उसमें शिरा विन्यास किस प्रकार का होता है। मतलब आप एक केवल एक पौधे की पत्ती को देख करके ही ये पहचान सकते हैं कि ये अमुक पौधा जो है वो द्विबीजपत्री है या एक बीजपत्री, जिसमें आप ये वाला मोनोकॉट लीफ और डाइकॉट लीफ का डायग्राम बनाएंगे और इसके बारे में लिखेंगे। यहाँ पे आप देख रहे हैं एक बीजपत्री पौधा जो है मोनोकॉट लीफ, ये कैसा है, द वेन्स रन पैरेलल टू ईच अदर विद अ लैमिना, इट इज कॉल्ड पैरेलल वेनेशन। क्या कहलाता है ये, पैरेलल वेनेशन कहलाता है या समानांतर शिरा विन्यास इसे हम कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, समानांतर शिरा विन्यास। और जो ये दूसरे तरीके का आपका डाइकॉट लीफ में दिखाया गया है, इसमें कैसा होता है शिरा विन्यास, जालिकावत शिरा विन्यास। मोनोकॉट लीफ में समानांतर शिरा विन्यास पाया जाता है और डाइकॉट लीफ में जो है वो जालिकावत शिरा विन्यास पाया जाता है, है ना। तो ये एक तरीका है केवल किसी भी पौधे की पत्ती को देख करके ये अंदाजा लगा पाना कि ये द्विबीजपत्री पौधा होगा या एक बीजपत्री पौधा होगा। उस पौधे की पत्तियों में जो शिरा विन्यास प्रेजेंट है, उस शिरा विन्यास की उपस्थिति के आधार पर ये आप अंदाजा लगा सकते हैं, ठीक है। तो जब भी हम समानांतर शिरा विन्यास वाली पत्तियां देखेंगे तो हम ये जान जाएंगे कि ये मोनोकॉट लीफ है, मोनोकॉटिलिडन वाला प्लांट है। और जब हम जानेंगे कि ये जालिकावत शिरा विन्यास वाली पत्ती है तो उससे हम अंदाजा लगा लेंगे कि ये द्विबीजपत्री पौधा है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अ टिपिकल एंजियोस्पर्म फ्लावर कंसिस्ट्स ऑफ फोर फ्लोरल पार्ट्स, गिव द नेम्स ऑफ द फ्लोरल पार्ट्स एंड देयर अरेंजमेंट्स सीक्वेंशियली, है ना। आपको किसी भी एंजियोस्पर्मिक फ्लावर यानी कि फेनेरोगैम्स यानी कि पुष्पीय पौधे, है ना। आप सभी को पता है कि जब हम क्लासिफिकेशन के बारे में ध्यान से सुने, जितनी भी वनस्पतियां हैं उनको दो भागों में बांटा गया था, क्रिप्टोगैम्स और फेनेरोगैम्स। तो एंजियोस्पर्म्स जो हैं वो फेनेरोगैम्स में आते हैं, जिसमें क्या होता है कि हर पौधे में फूल आते हैं, पुष्प उनके जीवन काल में एक न एक बार पुष्प जरूर बनता है, फूल जरूर बनता है, उसे हम क्या कहते हैं, पुष्पीय पौधा या एंजियोस्पर्म कहते हैं। तो ये जो एंजियोस्पर्म होते हैं इसमें क्या होता है, जो बीज होता है वो सीड कोट वाला होता है, है ना। बीज जो होता है, सीड्स जो होते हैं, उस पर सीड कोट प्रेजेंट होता है। तो ध्यान से देखेंगे, आप सभी को पता है एक फूल में चार भाग होते हैं। द फोर फ्लोरल पार्ट्स ऑफ टिपिकल एंजियोस्पर्मिक फ्लावर आर कौन कौन सा, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रूशियम एंड गाइनेशियम। कैलिक्स जो है इसे हम बाह्य दल कहते हैं, इसे हम सेपल्स भी कहते हैं। तो जब मैं पढ़ा रही थी तो मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया था कि जब एक सेपल है, ग्रुप ऑफ सेपल्स को हम क्या कहते हैं, कैलिक्स कहते हैं। पेटल्स यानी कि पंखुड़ियां जो होती हैं, तो एक को हम पेटल कहते हैं और ग्रुप ऑफ पेटल्स को हम क्या कहते हैं, कोरोला कहते हैं, यानी कि उसके पूरे वर्ल को हम कोरोला कहते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की बात की जाए तो एंथर हम उसको कहते हैं, लेकिन जब पूरे सारे एंथर्स की बात की जाती है तो उसे हम एंड्रूशियम कहते हैं। और बहुत सारे मादा जननांग भी होते हैं जिसमें गाइनेशियम स्टिग्मा जो होता है, कार्पेल जो होता है, तो कार्पेल जब ग्रुप ऑफ कार्पेल्स को हम क्या कहते हैं, स्टिग्मा कहते हैं। आप डायग्राम में देख सकते हैं,
डायग्राम में आप देखेंगे तो आपको इजीली हर चीज दिखाई पड़ेगी। ये एक एलएस है आपका फ्लावर का, जो डिफरेंट वर्ल्ड्स को शो कर रहा है। यहाँ पे आप नीचे देख रहे हैं, जिसको हम कहते हैं फूल को पकड़ते हैं जिस चीज से, जो एक स्टिक टाइप होती है, डंडी जिसे कहते हैं, वो आपका पेडिसल कहलाती है। उसके जस्ट ऊपर की तरफ थैलेमस प्रेजेंट होता है ना। उसके बाद यहाँ पे बाहर की तरफ आप किसी गुलाब की कली को अगर अपने माइंड में एक बार को इमेजिन करते हैं, बाहर की तरफ जो ग्रीन कलर की कवरिंग होती है, जो पंखुड़ियों की सुरक्षा के लिए होती है, उसे हम सेपल कहते हैं। ये क्या है? यूनिट ऑफ कैलिक्स, यानी कि कैलिक्स का ये यूनिट है, यानी ग्रुप ऑफ सेपल्स को हम कैलिक्स कहते हैं। सेपल्स को हम बाह्य दल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बाह्य दल। और कैलिक्स को हम क्या कहते हैं? बाह्य दल पुंज। बाह्य दल पुंज कहते हैं। पेटल क्या है? यूनिट ऑफ कैलिक्स, यूनिट ऑफ कोरोला है पेटल। इसमें गलत लिखा हुआ है, यूनिट ऑफ कोरोला है ना। पेटल क्या है? इसको हम कहते हैं दल पुंज, और एक एक पंखुड़ी को हम दल कहते हैं। उसके बाद आपका आता है स्टेमिन और पिस्टल। स्टेमिन क्या है? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जिसे हम एंथर कहते हैं। एंथर की पूरी संरचना आपने पढ़ी हुई है, मैंने आपको पढ़ा रखा है, इस तरीके की होती है, जिसमें दो भाग होते हैं, एंथर और फिलामेंट। क्या कहलाता है? स्टेमिन कहलाता है। उसके बाद अंदर की तरफ क्या प्रेजेंट होता है? पिस्टिल प्रेजेंट होता है। ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में तीन भाग होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। स्टिग्मा ऐसी जगह है जहां पे पॉलन ग्रेन्स की लैंडिंग होती है। स्टाइल वो नली है जिससे पॉलन ट्यूब डेवलप होके अंदर जाती है। और ओवरी वो पार्ट है जहां पर क्या होता है? फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है ना। तो आपको चारों पार्ट्स के बारे में लिखना है। चारों पार्ट्स के बारे में देखेंगे। कैलिक्स क्या है? इट इज द आउटर मोस्ट वर्ल्ड, सबसे बाहर की तरफ पाया जाने वाला चक्र है। चार चक्रों से मिलकर के एक फूल का निर्माण होता है, जिसमें से दो चक्र जो है वो सहायक चक्र कहलाते हैं। यानी कि ये पॉलिनेशन की प्रक्रिया में क्या करते हैं? हेल्प करते हैं। और दूसरे अंदर वाले जो दो चक्र होते हैं वो नेसेसरी हैं, नेसेसरी वर्ल्ड्स कहलाते हैं। यानी कि वो जो जनन की प्रक्रिया होती है उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो बाहर वाले दोनों चक्र हेल्पिंग वर्ल्ड्स हो गए, और अंदर वाले चक्र जो है वो नेसेसरी वर्ल्ड्स हो गए। कैलिक्स और कोरोला बोथ आर हेल्पिंग वर्ल्ड्स, एंड एंड्रोशियम एंड गाइनेशियम बोथ आर नेसेसरी वर्ल्ड्स। कैलिक्स क्या है? आउटर मोस्ट वर्ल्ड ऑफ द फ्लावर एंड मेंबर्स आर कॉल्ड कैलिक्स और सेपल्स। दीज आर यूजुअली ग्रीन एंड आर प्रोटेक्टिव इन फंक्शन बड स्टेज, यानी कि कली की अवस्था में ये कैसे होते हैं? ये प्रोटेक्शन के लिए होता है। कैलिक्स जो है वो प्रोटेक्शन के लिए होता है। कोरोला क्या होता है? इट इज कंपोज्ड ऑफ पेटल्स, यानी पंखुड़ियों से मिलकर के बना हुआ है। यूजुअली ब्राइट कलर्ड, चमकदार रंग वाला होता है। क्यों चमकदार होता है? टू अट्रैक्ट इंसेक्ट्स फॉर पॉलिनेशन, परागण की प्रक्रिया को संपन्न करने के लिए। जो पंखुड़ियां आपने हर फूल की पंखुड़ियों को रंग बिरंगे बहुत सारे फूलों को आपने देखा है, फूलों का ये चटकीला रंग जो पंखुड़ियों का होता है वो क्यों होता है, उसका क्या रीजन होता है, वो सब आप सभी बच्चों को पता है कि वो होता है परागण की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए या पॉलिनेशन की प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए। जो पंखुड़ियों का पूरा ग्रुप होता है उसे हम कोरोला कहते हैं। इट इज कंपोज्ड ऑफ पेटल्स, यूजुअली ब्राइट इन कलर एंड हेल्प इन पॉलिनेशन। तीसरा जो पार्ट है, पहला और दूसरा पार्ट जो है वो हेल्पिंग वर्ल्ड्स कहलाते हैं। कैलिक्स और कोरोला ये दोनों क्या हैं? ये हैं हेल्पिंग वर्ल्ड्स, यानी कि सहायक चक्र। क्या है ये? हेल्पिंग वर्ल्ड्स यानी कि सहायक चक्र है। एंड्रोशियम और गाइनेशियम ये दोनों क्या हैं? नेसेसरी वर्ल्ड्स, नेसेसरी
नेसेसरी वॉल्स हैं, यानी कि सहायक चक्र नहीं है, अति आवश्यक चक्र है। फूल होता है उसके चार वॉल्स होते हैं, फोर वॉल्स होते हैं, जिसको हम कहते हैं कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम और गाइनीशियम। कैलिक्स जो होता है वो क्या होता है, सबसे बाहर की तरफ एक फूल जो है उसमें बाहर की तरफ जो हरे रंग की छोटी छोटी पत्तियां दिखाई पड़ती हैं वो कैलिक्स कहलाती हैं, या जिन्हें हम बाह्य दल कहते हैं। अगर एक सिंगल पत्ती को ले लें तो हम उसे बाह्य दल कहते हैं, और अगर पूरे ग्रुप को ले लें तो उसे हम बाह्य दल पुंज कहते हैं या उसे हम कैलिक्स कहते हैं। अगर हम उसके अंदर की पंखुड़ियों को ले, सिंगल एक पंखुड़ी को लेंगे तो हम दल कहेंगे उसको, या पंखुड़ी कहेंगे, पेटल कहेंगे, और जब हम ग्रुप ऑफ पेटल्स की बात करेंगे तो वो क्या कहलाएगा, वो दल पुंज या कोरोला कहलाएगा। ये दोनों वॉल्स ऐसे हैं जो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, लेकिन पॉलिनेशन की प्रक्रिया में हेल्प करते हैं, यानी कि परागण की प्रक्रिया में वो हेल्पफुल होते हैं। बाजकी के बचे दो वॉल्स जो पुंग केसर और स्त्री केसर है, यानी कि एंड्रोशियम और गाइनीशियम है, ये दोनों नेसेसरी वॉल्स होते हैं, यानी ये आवश्यक चक्रों में आते हैं, और ये दोनों चक्र मिलकर के प्रजनन की प्रक्रिया को पूरा करते हैं या रिप्रोडक्शन की प्रोसेस को ये कंप्लीट करते हैं। आप सभी देख रहे हैं ये है एंड्रोशियम और गाइनीशियम, यानी पुंकेसर और स्त्री केसर। आपके कोर्स में इस पुंकेसर और स्त्री केसर के भी कितने भाग हैं और वो किस तरीके से काम करते हैं, ये पूरा विस्तार में आपको आपके कोर्स में कराया गया है। ठीक है, तो ये चित्र सभी बच्चे बनाएंगे और इसमें कोई भी, इसमें कम से कम आपको 20 क्वेश्चंस बैक टू बैक अगर पूछे जाएं तो आप बता सकें, तभी आप मानो कि आपका ये वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया है, अच्छी तरह से तैयार है। कहीं कोई कंफ्यूजन होने पर आप सभी को पता है हेल्प के लिए हम लोग हैं, आप चैट के माध्यम से या हैंड रेज के माध्यम से अपना क्वेश्चन पुट ऑन कर सकते हैं और उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन जरूर किया जाएगा। एलएच है ये फ्लावर का, जिसमें डिफरेंट वॉल्स आपको शो किए जा रहे हैं। एंड्रोशियम में आपको लिखना है इट इज कंपोज्ड ऑफ स्टेमेंस, यानी कि जो नर जननांग है किसी भी पुष्प का वो स्टेमेन कहते हैं उस पार्ट को, द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो कि नर जननांग होता है। ईच स्टेमेन हैज स्टॉक और फिलामेंट, यानी कि ये क्या है, ये है एंथर और ये जो नीचे की तरफ है यह है फिलामेंट। इसको आप बहुत इजी तरीके से गुड़हल के फूल में बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। आप इसके लिए सरसों के फूल का भी यूज कर सकते हैं, कोई भी फूल जो आप देखें उसमें आपको समझ में आ जाएगा। जो भी बिल्कुल चटकीला कलर का पार्ट होगा वो होगा कोरोला, जो उसके नीचे का प्रोटेक्शन वाला पार्ट होगा वो होगा कैलिक्स, जो उसके अंदर थोड़ा सा चिपचिपा वाला पार्ट होगा या झिड़कने में हल्का सा डाउन गिर जाएगा नीचे को वो होगा पुंकेसर, और जो नली जैसा एक पार्ट दिखाई पड़ेगा वो होगा स्त्री केसर, है ना। फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस कैसी होती है ये वाला केवल आपको पार्ट्स बताए जाएंगे 11th में, जब आप 12th में आएंगे तब आपके पास एक चैप्टर आएगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, यानी पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन की प्रक्रिया कैसे पूरी होती है, ये आपको पढ़ना है क्लास 12th में। क्लास 11th में आपको पूरे पार्ट्स के बारे में अच्छी तरह से समझना है, और जब आप क्लास 12th में आएंगे तो पूरा का पूरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स आपको बताया जाएगा, या एंजियोस्पर्म्स, जितने भी पुष्पीय पौधे होते हैं वो सभी के सभी फेनेरोगैम्स और एंजियोस्पर्मिक कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, इसमें गाइनीशियम में आप देखेंगे क्या है, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, किससे, एक या एक से ज्यादा कार्पल्स से बना हुआ होता है। मतलब गाइनीशियम का मतलब क्या है कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का वर्ल संख्या में एक ही होगा ऐसा आवश्यक नहीं है, संख्या में एक से ज्यादा भी ये हो सकता है। मेड अप ऑफ वन और मोर कार्पल, यानी एक से ज्यादा कार्पल में क्या क्या तीन पार्ट होते हैं स्पेशली, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। ओवरी जो है नीचे वाले अंडाशय को कहते हैं, ऊपर की तरफ जहां पे पॉलन ग्रेन लैंडिंग करता है वो कहलाता है स्टिग्मा, और ये जो पतली सी नलिका जैसी संरचना है इसे हम कहते हैं स्टाइल, है ना। अब इसको अगर हम हिंदी में बात कर लें तो क्या कहलाता है,
वर्तिका, वर्तिकाग्र और अंडाशय। तीनों शब्द आप सभी बच्चों ने बहुत अच्छे से सुने होंगे, वर्तिका, वर्तिकाग्र और अंडाशय। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है, हम आगे बढ़ेंगे। ये चित्र आप सभी बच्चे अपनी कॉपी में बना लें तो बहुत अच्छा रहेगा। हम आगे बढ़ेंगे और कुछ आपकी क्लास में कुछ ऐसे फ्लोरल फॉर्मूलाज दिए गए हैं, है ना। ये सबसे कठिन पार्ट लगता है बच्चों को, ये सबसे कठिन पार्ट लगता है, मतलब याद करना मुश्किल होता है, आपको समझ में नहीं आता कि एक्चुअल में ये फ्लोरल फॉर्मूलाज को हम सेट कैसे करें। कोई भी फूल आपको मान लो दे दिया जाए, परफेक्शन इतना होना चाहिए कि कोई भी फूल आपको पकड़ा दिया जाए और बोला जाए इसका फ्लोरल फॉर्मूला लिखो, ये आपके प्रैक्टिकल में हो सकता है। जैसे फूल पकड़ा दिया गया और बोला इसका फ्लोरल फॉर्मूला लिखना है, तो अगर आपको फ्लोरल फॉर्मूला के सारे जो भी ये जो दिखाए गए हैं ये सारे अगर आपको पता है कि किस जगह पे क्या लिखना है आपको, तो आप फ्लोरल फॉर्मूला, किसी भी फ्लावर का फ्लोरल फॉर्मूला सेट करना मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। लेकिन उसके लिए, जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए आपको ABCD बहुत अच्छी तरह से आती है, तो आप किसी भी वर्ड को बना के लिख सकते हैं। अगर कोई भी शब्द लिखना है आपको, आप एक शब्द, पूरा एक वाक्य, पूरा निबंध, पूरा का पूरा आंसर कंप्लीट लिख सकते हैं, अगर आपको पूरी तरीके से ABCD आती है। अगर किसी बच्चे को ABCD या सेंटेंस फॉर्मेशन नहीं आता तो वो बच्चा कैसे लिखेगा, है ना। तो सबसे पहले हर चीज का क्या पढ़ना होता है, इंट्रोडक्शन या बेसिक या ABCD जिसको बोलते हैं, है ना। तो फ्लोरल फॉर्मूला क्या है, उसके अंदर ये जो नियम लगाए गए हैं ये अगर आपको याद हैं तो आपको फ्लोरल फॉर्मूला सेट करने में मुश्किल नहीं होती। आपके कोर्स में केवल 3 फैमिली के बारे में बताया गया है, सोलेनेसी, फेबेसी और मालवेसी, 3 ही फैमिलीज बताई गई हैं अभी तक। बहुत ज्यादा फैमिलीज हैं, 200-250 से ज्यादा फैमिलीज के बारे में पोस्ट ग्रेजुएट लेवल तक पहुंचते पहुंचते बता दिया जाता है बच्चों। अगर क्लासिफिकेशन की हम बात करें, फैमिलीज की गिनती नहीं है, मतलब बहुत मुश्किल होता है सारी फैमिलीज के बारे में पढ़ना लिखना, लेकिन केवल 3 फैमिलीज के बारे में आपके कोर्स में अभी दिया गया है। गिवन बिलो आर अ फ्यू फ्लोरल फॉर्मूला ऑफ सम वेल नोन प्लांट्स, कुछ बहुत ज्यादा जिनके बारे में आप सभी जानते हैं उन प्लांट्स का फ्लोरल फॉर्मूला दिया गया है। अब इसके फ्लोरल डायग्राम्स आपको बनाने हैं। फॉर्मूलाज देखिए यहाँ पे दिया गया है, 1, 2, 3, ये तीनों उन्हीं फैमिलीज के पार्ट्स हैं जो आपके कोर्स में है। पहला फ्लोरल फॉर्मूला जो है वो है सोलेनेसी फैमिली को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सोलेनेसी फैमिली को। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये क्या है, कट लगाने पर अगर ऊपर से और बगल से कट लगाने पर बराबर भागों में बट जाए, है ना, तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, एक्टिनोमार्फिक होगा या जाइगोमार्फिक होगा, है ना। अब इसको हिंदी में आप कितना भी याद करोगे, फ्लोरल फार्मूला आपको ऐसे ही लिखना पड़ेगा। इसलिए कोशिश क्या करिए कि इंग्लिश में भी समझने की, है ना। अगर आप इंग्लिश में नहीं समझेंगे तो फ्लोरल फार्मूला आपको कहीं हिंदी में नहीं मिलेगा, हिंदी वाली किताब में भी आपको फ्लोरल फार्मूला एज इट इज ही इंग्लिश में ही लिखा हुआ मिलेगा। तो जो वर्ड्स हैं उनको अच्छे से समझ लें, जो संकेत हैं वो जान लें और आप आसानी से उसको लिख सकते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कैसा है, के किसको रिप्रेजेंट करता है, कैलिक्स को। सी किसको रिप्रेजेंट करता है, कोरोला को। ए किसको रिप्रेजेंट करता है, एंड्रोशियम को। और जी किसको रिप्रेजेंट करता है, गाइनीशियम को। ठीक है, 4 चीजें याद करेंगे, के कैलिक्स, सी कोरोला, ए एंड्रोशियम, जी गाइनीशियम। अब यहाँ पे के जो है वो हो गया आपका बाह्य दलपुंज, सी जो है वो हो गया आपका दलपुंज, ए जो है वो हो गया आपका नर जननांग, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, और जो जी है वो हो गया आपका गाइनीशियम यानी कि स्त्री केसर, मादा जननांग। ठीक है, 4 ही पार्ट्स होते हैं जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया कि फ्लावर के 4 पार्ट्स होते हैं, उसका अरेंजमेंट कैसा है उस हिसाब से आपको फ्लोरल फॉर्मूला सेट करना है। और ये चित्र ये कैसे होगा बच्चों, ये प्रैक्टिस से होगा,
बिना प्रैक्टिस के आपको ये बनाना नहीं आएगा। अभी इस क्लास में तो दो ही तीन फैमिलीज हैं, आगे फैमिलीज की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। जब आप जैसे ही ग्रेजुएशन लेवल पे आते हैं तो फैमिलीज की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो अब ऐसे ही जैसे मैं आपको एबीसीडी का एग्जाम्पल दे रही हूँ ना, आपको एबीसीडी पढ़ना है अभी फ्लोरल फॉर्मूला की, तो कम से कम एबीसीडी याद रहेगा, तभी जब आप बड़ी क्लास में पहुंचेंगे तब तो पूरा का पूरा सेंटेंस या निबंध लिख पाएंगे। तो कम से कम फ्लोरल फॉर्मूला के संकेतों के बारे में आपको अच्छी तरह से आना चाहिए, ताकि आप जब बड़ी क्लास में पहुंचे तो बिना किसी मुश्किल के इजिली आप इन फॉर्मूलाज को सेट कर सकें। सेट करने का तरीका, वर्ड्स बनाना छोटी छोटी क्लास में ही सिखा दिया जाता है, तभी आप सेंटेंस लिख पाते हैं। तो ये क्लास में क्या करना है आपको, फ्लोरल फॉर्मूला के संकेत पहचानना आना है और उसको सेट कैसे करते हैं केवल ये चीज सीखनी है। बहुत ज्यादा कठिन नहीं है, बहुत आसान है। फ्लोरल फॉर्मूला में आप सोलिनेसी फैमिली में देखेंगे एक्टिनोमॉर्फिक कैलिक्स जो है वो संख्या में कितने हैं, यहाँ पे दिखाई पड़ रहे पांच, पांच है, यानी कि बाह्य दलपुंज की संख्या जो है फूल की वो पांच है, ठीक है। अब ये ब्रैकेट लगा हुआ है, ब्रैकेट का मतलब कि वो आपस में कैसे हैं, आपस में जुड़े हुए हैं, जिस हम कंडीशन को कहते हैं गैमोसेपलस, कैसे हैं गैमोसेपलस कंडीशन, यानी कि सेपल्स जो हैं वो अलग अलग नहीं हैं, आपस में जुड़े हुए हैं, ठीक। कोरोला ये भी संख्या में कैसा है, पांच, यानी कि जो दलपुंज है, जो चमकदार चमकीला वाला पंखुड़ियों वाला पार्ट है, वो भी संख्या में केवल पांच है, लेकिन वो भी कैसा है, नीचे की तरफ से जुड़ा हुआ, नीचे की तरफ से कैसा है, जुड़ा हुआ है। एंड्रोशियम भी संख्या में पांच है लेकिन जुड़ा हुआ नहीं है, देखो यहाँ पे फाइव लिखा हुआ है लेकिन कोई ब्रैकेट नहीं लगा हुआ है। और गाइनेशियम में आप देख रहे हैं संख्या में कितनी है, दो, फ्यूज्ड ओवरी है, और कैसी है, यहाँ पे नीचे भी देख रहे हैं कि ये सुपीरियर ओवरी है, यानी कि ये जो लाइन आपको दिखाई गई, यहाँ पे आप जी को देखेंगे, जी ऐसे बना हुआ है, यहाँ पे ये जो लाइन है ये आप इसको समझ लो कि इसको आप याद कर लो कि मान लो ये सिंहासन है, तो सिंहासन के ऊपर ओवरी बैठी हुई है, मतलब कैसी है, सुपीरियर ओवरी है। अगर ये लाइन आपको यहाँ पे दिखाई पड़ जाए तो आप मान लो कि ये कैसी है, इंफीरियर होगी। तो ये चीजें आपको याद करनी पड़ेंगी, है ना। कुछ कुछ कभी कभार ट्रिक्स भी होती हैं कि किसी ट्रिक से कोई चीज याद कर ली, है ना, और कभी कभी क्या होता है बच्चों कि विदाउट ट्रिक भी आपको चीज याद करनी पड़ती है, ठीक है। तो इसमें आपने ये वाला ऊपर वाले में देख रहे हैं संख्या, आप देखेंगे यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, पांच तो हो गया सबसे बाहर वाला कैलिक्स, यानी कि बाह्य दलपुंज, अंदर की तरफ ये पांच हो गया आपका क्या, कोरोला, 1, 2, 3, 4, 5, यानी कि बाह्य दलपुंज संख्या में पांच और दलपुंज भी संख्या में पांच। दो ही वर्ल्स और बचे, जो हेल्पिंग वर्ल्स की बात कंप्लीट हो गई, दो ही वर्ल्स बचे एंड्रोशियम और गाइनेशियम जो आपको दिखाई पड़ा। एंड्रोशियम भी संख्या में पांच है, तो आप यहाँ पे देखें 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। गाइनेशियम की बात की गई, ये है आपकी संख्या में दो, यहाँ पे आप अंदर देख पा रहे हैं कि दो है, फ्यूज्ड है, फ्यूज्ड ओवरी है, और कैसी है, सुपीरियर ओवरी है। तो फ्लोरल डायग्राम इसका इस तरीके से हुआ, ये क्या है, ये है एंड्रोशियम, एंड्रोशियम यानी कि पुंग केसर। जब हम एक की बात करेंगे तो ये कैसा कहलाएगा, एक है तो ये नरजननांग कहलाएगा, जब पूरे वर्ल्ड की बात हो रही है तो ये एंड्रोशियम या पुंग केसर कहलाता है, जब सिंगल की बात होती है तो पुमंग कहलाता है, ठीक है। इसी तरह स्त्री केसर, पूरे कंप्लीट वर्ल्ड की हम बात कर ले तो स्त्री केसर कहलाता है, और अगर सिंगल एक मादा जननांग की बात करें तो क्या कहलाता है, जायांग कहलाता है, ठीक है। पुंकेसर का यूनिट क्या होता है, पुमंग, पुमंग, और जो स्त्री केसर है उसका यूनिट क्या होता है, स्त्री केसर का यूनिट कहलाता है जायांग। पहुंचने के बाद भी आपको समझ में नहीं आता, आपको ये लगता है कि ये जो सारे वर्ड्स हैं सबका मतलब सेम है, लेकिन
मतलब जो है वो सेम नहीं होता। जैसे हम वन मैनी पढ़ते हैं, सिंगुलर प्लूरल पढ़ते हैं अंग्रेजी में, एक एक वचन और बहुवचन पढ़ते हैं, तो एक वचन में जायांग है, बहुवचन में स्त्री केसर है, एक वचन में पुमंग है, बहुवचन में पुंग केसर है ना। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट हम देखेंगे फ्लोरल फॉर्मूला, आपको दिखाई दे रहा है फेबेसी फैमिली का। इसमें फ्लोरल फॉर्मूला में क्या है, कैलिक्स पांच है, कोरोला इस तरीके से 1+2+2 के वर्ल में लगा हुआ है, एंड्रूशियम संख्या में 9 है, प्लस 1 है, 9 जो है वो जुड़ा हुआ है और 1 यहाँ पे अलग दिखाई पड़ रहा है आपको। ये जो 1 है ये अलग दिखाई पड़ रहा है, 9 यहाँ पे इकट्ठे हैं। गाइनेशियम जो है वो 1 ही है संख्या में और सुपीरियर है। इसी तरह मालवेसी फैमिली की हम बात कर ले, जिस फैमिली में कौन आता है, गुड़हल का फूल आता है। फ्लोरल फॉर्मूला क्या बता रहा है आपको, बाइसेक्सुअल है ये स्त्री, ये कैसा है, ये मादा जननांग और ये नर जननांग की संकेत, तो ये बाइसेक्सुअल है, यानी एक ही फूल पर दोनों जननांग मौजूद है। एक्टिनोमार्फिक है, कैलिक्स 5 है, कोरोला भी 5 है, एंड्रूशियम 10 है, 5+5 यानी 10 है जोड़े में, और गाइनेशियम 5 है, फ्यूज्ड ओवरी है और सुपीरियर ओवरी है। बहुत सबसे आसान आपका मालवेसी फैमिली का है, ठीक है। तो ये आपका मालवेसी फैमिली को रिप्रेजेंट करता है, ये तीनों फ्लोरल फॉर्मूलाज और इसके डायग्राम। अगर इसमें आपको कोई कंफ्यूजन है ना, मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगी बच्चों, और होपफुली आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो आप चैट के माध्यम से या हैंड रेज के माध्यम से फ्लोरल फॉर्मूला में कौन सा निशान क्या रिप्रेजेंट करता है वो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और कंफ्यूजन होने पर उसको मैं समाधान कर दूंगी। आज की क्लास में इतना ही, दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।